हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पेपर जो 9th मार्च को होने वाला है उसके बारे में। उसमें भी गाइड्स मैं यहाँ पे आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा है कि स्वमत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अगर पोएम ये सब निकाल के रैपिड रीडिंग या चैप्टर निकाल के अगर हम लोग देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन है गाइड्स ये 12 से 14 मार्क्स तक का ये बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हर एक पैराग्राफ में या पोएम के नीचे आपको ये क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए। इसके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो आपके पेपर में कल आ सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा है लास्ट वीडियो में 15K ये मेरा टारगेट है और मुझे जल्दी से जल्दी गाइस 15K अचीव करने के लिए सपोर्ट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट हमेशा मैं लाता रहूँगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। तो फर्स्ट गाइस यहाँ पे रहेगा प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो इस विषय पर आपको 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखने के हैं। अगेन 2 मार्क्स का सब क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग इसका प्रिपरेशन करके रखिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सेकेंड गाइस इसमें रहेगा रात में सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये विचार आपको लिखने का है। देन है उत्सव का बदलता स्वरूप। जैसे कि आप सभी को पता है अभी जो सेलिब्रेशन है जो हम लोग त्यौहार पहले करते थे और अभी करते हैं इसमें कुछ डिफरेंस आ गए हैं। वो डिफरेंसेस क्या है और आपको क्या लग रहा है पॉजिटिव निगेटिव, ये डिफरेंसेस आपको इस वाले क्वेश्चन के इसमें लिखने के। अगेन पर्सनल ओपिनियन वाला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से लिखिए और इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरह से याद करके रख दीजिए। दादा दादी के प्रति मेरा कर्तव्य, यस आपके घर में दादा दादी रहेगी तो उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है और इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने के। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। देन उसके बाद है हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हमें अपने व्यवसाय के प्रति कैसा रहना चाहिए, ईमानदार, जो भी आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करिए, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखने का है। तो कुछ गाइस देखिए इस कैटेगरी के पर्सनल ओपिनियन आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे आपको बताने वाला हो और भी कुछ है तो वो आप लोग जरूर देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, आपके डाइजेस्ट में वगैरह मिल जाएंगे तो अच्छी तरह से रीड करके रख दीजिए गाइस, क्योंकि यही और इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में 9th मार्च को दिख जाएंगे। बाद में बोलने का नहीं कि सर मैंने किया नहीं था, करके रख दीजिए, इंपॉर्टेंट है अभी आपको बता रहा हूं। और यस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। देन उसके बाद है देखिए रेल यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण की आवश्यकता, इस विषय पर आपको लिखने का है कि यस आपको पता है रेल यात्रा अगर आपको करने की रहेगी तो आरक्षण की जरूरत रहती है। मन के जीते जीत है, ये आपको पता है कि मन के जीते जीत है, मतलब मन से आपको अगर कुछ चीज़ में सक्सेस चाहिए तो पहले मन में आप लोग को उस चीज़ के बारे में ठान लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे सक्सेस हो सकता हो एंड देन आप लोग को काम करने का, तो ऑब्वियसली आप लोग सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है जानवरों के प्रति हमदर्दी, ये भी आपको पता है कि आपके कुछ चैप्टर्स भी ऐसे रिलेटेड करते हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन है गाइस, मैंने रैंडमली क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो इससे पहले पूछे हैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि यही क्वेश्चन या इसी कैटेगरी क्वेश्चंस आपको आपके 9th मार्च के पेपर में भी दिख जाएगी। इसके लिए पूरा फटाफट जाइए और ये क्वेश्चन का लिस्ट जो है टिक कर लीजिए एंड पार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे वाणी की मधुरता। ओके, वाणी की मधुरता इस विषय पे आपको लिखने का है कि क्या है वाणी की मधुरता और किस तरह से रहेगी वाणी की मधुरता। तो ये गाइस आप लोग को कुछ क्वेश्चन थे, अभी देखिए और भी कुछ क्वेश्चन मैंने लाए यहाँ पे, कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति के बारे में आपको लिखने का है। अगर ये सब जगह गाइस 25 से 30 वर्ड के ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखेंगे, 4-5 लाइन का आंसर लिख देने का, अच्छी तरह से प्रॉपरली लिखोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 में से 1.5-2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति ये आपको पता है। देन उसके बाद देखिए शारीरिक श्रम का महत्व। ओके, तो शारीरिक श्रम आपको पता है शारीरिक श्रम करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस रहता है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखने का, शारीरिक श्रम का कितना महत्व होता है। देन जानवरों के प्रति हमदर्दी, ये शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रीपेड आया है बट ओके, ये जानवरों के प्रति हमदर्दी ये वाला भी याद रखिए। एंड नेक्स्ट देखिए लास्ट वन है मेरे पास यहाँ पे, अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का अनुभव लिखिए, मतलब आप लोग कहाँ पे घूमने गए रहोगे तो वहाँ पे आपका किस तरह से क्या अनुभव आया, ये सब चीज़ें आपको लिखने की है। तो इस तरह से कैसे मैंने यहाँ पे आपको 10-12 इंपॉर्टेंट
स्वमत दिए हैं, तो आप लोग ये ज़रूर करके रख दीजिए, क्योंकि इसी में से ही आपको एक दो तो आराम से दिखी जाएगी आपके कौन से पैसेज के नीचे। इसके लिए बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से करके रखिए। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जैसे कहा है कि मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू, बाय बाय।